मेडिटेशन के आलम में जागे जागे रहना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतरे हुए आप अपने माइंड के प्रति सावधान रहना। मेडिटेशन के मौसम में अपनी मास्टरशिप को खोज लेना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर ऑफ इट। रिमेंबर इट, रियलाइज इट, यू आर ए मास्टर, यू आर ए सीयर, यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी। सिंपली वॉच, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर माइंड। सिंपली वॉच, सिंपली लुक। लगातार अपने देखने को, अपनी वॉचफुलनेस को डेवलप करते चले जाना। ये देखना जारी रहे, जो भी दिखाई दे, जैसा भी दिखाई दे, आप उसको देखते रहना। देखने की क्षमता को, देखने के पोटेंशियल को अवसर देना। खूब एक्सपैंड करते चले जाना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। डायरेक्ट वॉच करना, विश्वास। मेडिटेशन इज ए माइंड मैनेजमेंट। ये सीधा माइंड को डील करती है, माइंड के प्रति डायरेक्ट अप्रोच है यह। मोस्ट नेचुरल, ओरिजिनल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वेरी सिंपल, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट वॉचिंग। You are a seer, simply see whatever happening before you inside. Simply look, not to indulge in any thought. Watch your thought continuously. माइंड से हट करके माइंड को देखना, विचारों से हट करके विचारों को देखना। तुम केवल देखना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना जगमगाने का। ये अवसर चूकना नहीं। वाइब्रेशन से उत्प्रोत ये एटमॉस्फेयर फुल ऑफ ऑरा एंड एनर्जी। Dive deep in meditation and transform your mind. अधिक से अधिक अपने स्वभाव में रहना। कभी कभी विचारों में खो जाना, माइंड के साथ चले जाना, भूत भविष्य की गलियों में उतरना, भूत भविष्य की रस्सियों में झूलना अक्सर आदतवश होता ही रहेगा। परंतु तुम बार बार इन आदतों के प्रति जागना, तुम माइंड्स के प्रति जागे जागे वापस लौटना अपने स्वभाव में। रिट्रीट इज द ओनली सॉल्यूशन। रिट्रीट विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस वन डे। राइट थिंकिंग प्रिवेल्स व्हेन यू बिकम थॉटलेस। लगातार जागे जागे रहना, भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना, एडवेंचर उठाना अपनी ओर देखने का। देखना स्वाभाविक है, देखना तेरा स्वभाव है। देखना टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। देखना हम सब का अधिकार, हक, हम सब का स्वभाव है। बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देखना, भीतर की आंख से भीतर का जगत देखना, मन माया का विस्तार देखना। डुअलिटीज माइंड की हर पल हर घड़ी तेरे सामने खड़ी है। आप उसको देखने वाले होना, न कि उसमें इंडल्ज हो जाना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। तुम
एक ललक, एक प्यास निरंतर अपनी और प्रायोरिटीज, अपनी और प्यास उठाना। देखना स्वाभाविक हो, तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना देखने में, कोई प्रयास कोई यत्न नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, माइंड को डायरेक्ट वॉच करना। हम सबके पास देखने की क्षमता है, देखने का पोटेंशियल है, देखने की आंख है। हमें कोई मीडियम, कोई माध्यम, कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं अपने भीतर को, अपने अस्तित्व में उतर सकता है, अपने सुप्ति द्वार पर निरंतर निवास हो सकता है। अगर हम थोड़ा माइंड से हटकर के अपने स्वभाव की ओर लौटें, माइंड, विचार, थॉट्स, तमाम बोरो किए हैं जो बाहर से हमने सारा दिन माइंड को फीड करने में ही रखा, जो जो फीड किया है वो समक्ष आएगा, वो सब उठेगा। उस डस्ट को विदा होने देना, सब यूजलेस थॉट्स, पास्ट एंड फ्यूचर के अननेसेसरी थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, यूजलेस थॉट्स मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते ही चले आते हैं, उठते ही चले जाते हैं। आप उनको देखते रहना, लगातार स्वाभाविक रूप से देखना, ना देखना हो तो सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, सेल्फ अवेयरनेस में रहना, सेल्फ अवेकनिंग में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस। इज ए की टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। माइंड के साथ लगते ही हम पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलने लगते हैं। एकदम आपको ख्याल आता है कि मैं पास्ट में चला गया, मैं फ्यूचर में चला गया, मैं तो माइंड के साथ ही चला गया, मैं तो माइंड ही हो गया। एकदम जागा आता है, एकदम होश उठती है, आप उसी वक्त वापस लौटिए। थोड़ा डिस्टेंस डेवलप करना है माइंड के प्रति, सब जान जाओगे। माइंड को जानते ही तुम सारे संसार को जान लोगे। माइंड की नब्ज को पहचानना, माइंड के स्वभाव को जानना, विचारों की गति को देखने लायक होना, विचारों की ट्रैफिक के प्रति जागे जागे रहना। आमीन, आमीन। जाग जागो मनुआ जागरे, ये सो अवसर जगाने आया। तेरा समय जागने को आया, जाग जाग ओ मनुआ जागरी। महाराज जागे तो हम हुए हैं, बाहर बाहर जागे हैं, अति अधिक अत्याधिक जागे हैं, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा जागे हैं। दाएं बाएं कान खूब देते हैं, खूब अपने कानों के द्वार खुले रखते हैं दोनों ओर, चारों ओर। आंख तो एक ही तरफ देखती है, कान चारों तरफ देखता है, चारों तरफ का ग्रहण करता है। और कान का कच्चा होकर के जीता है तू, आज तू अपना भीतर स्वयं ही सुस्थित नहीं। जो माइंड के हाथ लगते हैं वो कान के कच्चे होता है, जो माइंड में जीते हैं माइंड ही होकर के जीते हैं, माइंड ही बने हुए हैं, जिन्हें माइंड के पार कुछ पता ही नहीं और माइंड में ही एकमात्र गुलामी की जिंदगी जीते हैं, उनके कान कितने कच्चे होते हैं। वो कभी सुखद स्वस्थ नहीं हो सकता जीवन जो अपनी माइंड का मालिक नहीं, माइंड से हटकर के जीने का ढंग जिसके पास नहीं। जैसे जैसे जागोगे भीतर की ओर, ये विजडम, ये प्रूडेंस, ये विवेक तुम्हारे भीतर स्वयं वर्क करेगा। तुम स्वयं जानोगे हम सबके भीतर बराबर है ये संपदा, केवल मात्र माइंड के हाथ लगे थे इसलिए माइंड ने दबा रखा था, छिपा रखा था,
हमसे बहुत दूर कर रखा था, हमको ही दूर कर रखा था अपने आप से, हमें एस्केपिस्ट बना रखा था, पलायनवादी होकर के जी रहे हैं हम, अपने को भुला करके जी रहे हैं हम, अपने से दूर माइंड के मध्य में, माइंड की गोदी में, माइंड के हिप्नोटिज्म में जी रहा है, माइंड को ही फॉलो कर रहा है, माइंड के गुलाम होकर के जी रहा है। ये एस्केपिज्म है, ये पलायनवाद है, अपने से दूर चले जाना, दूसरों में रमण करना, अपने आप में नहीं, माइंड का स्वभाव है दूसरे में रमण करना, दूसरों की, दूसरों का, दूसरों के ही एकमात्र, सारे के सारे जाल में फंसा हुआ माइंड, बाहर से लाखों लाखों विचार विकार बोरो करता रहता है, 10 लाख 12 लाख संस्कार विचार विकार बाहर के पड़ते हैं 24 घंटे में, कितना कचरा पिरोते हैं हम, कभी साफ किया? तभी तो मनोरोग हृदय रोग पकड़ता है। ये साफ करने की विधि, साफ करने का रसायन केमिकल तेरे पास था, किंतु तूने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया इसे जानने का, तूने कभी सवाल ही नहीं उठाया अपने जीवन के प्रति। जाग जाग ओ मनुआ जागरी, ये सो अवसर जगानी आया, तेरो समय जागने को आया, जाग जाग ओ मनुआ जागरी, तेरो समय जागने को आया, जाग जाग ओ मनुआ जागरी, यीशु अवसर जगाने आया। मेडिटेशन का मौसम आया, जाग जाग ओ मनुआ जागरी, यीशु अवसर जगाने आया, तेरो समय जागने को आया, जाग जाग ओ मन, तेरो समय जागने को आया, जाग जाग ओ मनुआ जागरी, ओ माई माइंड अवेक अवेक अवेक। लाई लगना बन, भेड़ चाल ना चल, थोड़ी विजडम जगा, थोड़ा विवेकमय होकर के जी, थोड़ी अपनी प्रूडेंस से जी। मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है तू, भीतर क्यों ना आई, जीवन मंदिर के, स्वयं के मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, आत्म मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, जीवन मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, आत्म मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, स्वयं के मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, तू भीतर क्यों ना आए, लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरी पाई, लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरी पाई, आत्म मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है तू भीतर क्यों ना आई, लहरों में क्या रखा है पगले, डुअलिटीज की, द्वंद्व की, दुई द्वैत की लहरों में, नेगेटिव पॉजिटिव लहरों में,
लहरों में क्या रखा है पगली, विचारों विकारों की लहरों, लहरों में क्या रखा है पगली, हीरा तो गहरी पाई, जो भी डूबा प्रेम की रस में, जो भी डूबा ध्यान की रस में, उसने ही प्रभु को पाया, जो भी डूबा ध्यान की रस में, उसने ही प्रभु को पाया, जो भी डूबा ध्यान की रस में, उसने ही स्वयं को पाया, जो भी डूबा ध्यान की रस में, उसने ही स्वयं को पाया, जाग जाग ओ मनुआ जागरी, यीशु अवसर जगाने आया, यीशु अवसर जगाने आया, और कछु न सुनाने आया, कोई कथा न सुनाने आया, तुझे कछु न समझाने आया, और कछु न बताने आया, ये तो केवल जनाने आया, तुझे केवल जताने आया, ये तो केवल जगाने आया, जाग जागो मनुआ जागरे, ये सुअवसर जगाने आया, अपना सुधार कर, अपना संभाल, अपनी संपदा संभाल, अपना शिखर संभाल, अपनी सुरति संभाल, ओ इंसान संभालने योग्य यही संपदा है, इस दुनिया में संभालने लायक कछु भी नहीं, एक सुरति द्वार, एक अपना जीवन, अपनी सुधार में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतर जाना, अपना सुधार करना, अपनी खबर लेना, अपनी फिक्र करना, ये स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है, अपने को एनलाइटन करके जियोगे तो दुनिया के काम आओगे, सारे संसार के काम आओगे, इस धरती पे जगमगाओगे, देने लायक बनोगे, दाता बनोगे, जो अब दे रहे हो वो तो सारी दुनिया ही दे रहे हैं, जो दुनिया को आज चाहिए, जो संसार को आज चाहिए वो दीजिएगा, वो तुम्हारे पास है, थोड़ा डिस्कवर कीजिएगा, थोड़ा खोजिएगा अपने भीतर पड़ी संपदा को, स्वयं भी चखिए, स्वयं भी आनंद पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण हो जाइए, इस बेस्ट मेडिसिन, डिवाइन मेडिसिन को जगा करके, उपलब्ध करके, आप भी स्वस्थ, सुखद, आनंदित, विराट होकर के जियो और दूसरे को देने लायक हो जाओ, आज देने लायक अगर कछु संपदा है, आज देने लायक कोई उपहार है, आज देने लायक कोई वस्तु है, तो एकमात्र मेडिटेशन है, दूसरों को जीवन दिशा देना, उसके भीतर ही रखी हुई परम संपदा परम धन को उभारने के लिए थोड़ी वाइब्रेशन देना, ये तुम्हारे पास लबालब भरपूर जगमगाइएगा, जरा वही समय के अनुसार दीजिएगा जो आज जरूरत है संसार को, किताबी ज्ञान नहीं चाहिए उनको, उनको प्रैक्टिकल जीवन दिशा चाहिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट अवेयरनेस, इंस्टेंट हेल्दी हैप्पी वेल्दी लाइफ चाहिए उनको, इंस्टेंट चाहिए, और इंस्टेंट मिलता है जब तुम अपनी आंख से जुड़ते हो, धन्य धन्य हो जाते हो जब तुम थर्ड आई से देखने की क्षमता से, अपने ही माइंड से हट करके माइंड को देखने की क्षमता, ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल, ये कैपेबिलिटी, एकमात्र संभावना है, पॉसिबिलिटी है तेरे द्वार पर,
सुपर साइंस में उतरिए, सुपर साइंटिस्ट हो जाइए। जिसके सामने सिकंदर आजम की तलवार गिर गई थी वह ददामी जागे पुरुष ने कहा, दरवेश ने कहा, दुनिया भर के बादशाह होने वाले तू अपने भीतर का तो है नहीं, अपने भीतर का गुलाम, आ मैं तुझे भीतर के जगत की ओर ले चलूं, भीतर के जगत का भी उसी तरह मालिक हो जा जैसे बाहर के जगत का है। बाहर के जगत का मालिक होकर के तेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं जब तक तू भीतर के जगत का भी अपने अंधेरों को दूर करके अपने भीतर के जगमगाते हुए एनलाइटेड स्टेट का भी मालिक नहीं हो जाता, बियॉन्ड माइंड नहीं हो जाता। माइंड के जगत को भी जीत लेना बाहरी जगत को जीतने वाले नहीं, सुना उसके कानों में कुछ नहीं पड़ा, वो इस विजडम को समझ ना पाया, खाली हाथ लौट गया। ये वो है स्पिरिचुअल फोर्स, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल वेल्थ जो तुम्हारी बैकबोन में लबालब भरी है। ऐ अवतारों गुरुओं की संतानों जरा डिस्कवर करो, इसको उपलब्ध करो, एडवेंचर उठाइए अपनी, और अपनी थर्ड आई को भी उसी तरह जगमगा लीजिए जैसे बाहर की आंखों को जगमगा रखा है, ऐसे भीतर भी थोड़ा जागिए, जानी है। निरंतर भीतर के मायक दे माखाने में उतरिए, भीतर के पैमाने छलकाइए, भीतर के जाम छलकाइए। क्यों जाम पे जाम पीने का को क्या फायदा, रात भर पी सुबह तक उतर जाएगी, उसकी नजरों से दो घूंट पी ले जरा, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। आइए रूहानी मैखाने में, रूहानियत के मैखाने में, मैकदे में आइए, जी भर करके अपनी मस्ती, अपना आनंद, अपना नशा पिरोइए। जो भीतर है वो बाहर के किसी भी जाम में नहीं, बाहर के जाम इसलिए छुड़काए जाते हैं कि तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं, तुम्हें कोई सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव देने वाला नहीं। खूब छिड़काना बाहर के, किंतु थोड़ा भीतर भी छिड़का के देख लेना, भीतर के मैकदे मैखाने में, स्पिरिचुअल पब में आकर के भी जरा छलक जाना, अपनी आप तुलना हो जाएगी। कहाँ है मस्ती, कहाँ है हिप्नोटिज्म, कहाँ है बेहोशी और कहाँ है होश, मस्ती के दौर में उतरने वाले के पास कितना होश। कौन सी मदिरा पिलाई पीरनी, ले लिया जग मोल एक फकीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने। कौन सी मदिरा कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने, लीलिया जग मोल एक फकीर ने। दर्पण सी दमकने लग गई है, देह दर्पण सी दमकने लग गई है, सौदियों की ज्योति मन में जग गई है, सौदियों की ज्योति मन में जग गई है, प्राण पर जो काली माँ बाकी बची, पहुँच दी कब क्या पता उस चोर ने, पहुँच दी कब क्या पता उस चोर ने।
प्राण पर जो काली माँ बाकी बची। पहुँच दी कब क्या पता उस चोरनी, पहुँच दी कब क्या पता उस मालिकनी, कौन सी मदिरा पिलाई पीरनी। लेलिया जज मोरी एक फकीरनी, लेलिया जज मोरी एक फकीरनी। गई कितनी नशीली, आंख मेरी हो गई कितनी नशीली, बात मेरी हो गई कितनी रसीली, बात मेरी हो गई कितनी रसीली। जो भी आता जाना ना चाहता है, लीलिया दुख मोल एक फकीरनी। इस रूहानी माइकदय में स्पिरिचुअल पब में जब एक बार कदम उठाता है, एक बार भी पांव रखता है, फिर जाने लायक अर्थात जाने की कोई कहीं इच्छा नहीं रह जाती। ऐसा पैमाना छलकता है, ऐसा जाम छलकता है, फिर कोई कहीं भी किसी भी पड़ाव पर कहीं किसी कदम पर भी वो इस नशे के बिना मस्ती के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। क्या गजब की मस्ती है माइक दे माय खाने की, भीतर के माइक दे माय खाने की। जो भी आता जाना ना चाहता है, ले लिया दुख मोल एक फकीरनी, ले लिया दुख मोल एक फकीरनी। कौन सी मदिरा पिलाई पीरनी, ले लिया जग मोल एक फकीरनी, ले लिया जग मोल एक फकीरनी। साथ रहकर भी असंग हूँ, आंसुओं के साथ रहकर भी असंग, चेतना सोती नहीं अब रात में भी, कर दिया आजाद इस विश्वास ने, कर दिया आजाद हर जंजीर ने, चेतना सोती नहीं अब रात में भी, कर दिया आजाद हर जंजीर ने, कर दिया मन की जंजीरों ने, हर जंजीर ने, चेतना सोती नहीं अब रात में भी, कर दिया आजाद इस विश्वास ने, कर दिया आजाद हर जंजीर ने, कर दिया आजाद हर जंजीर ने, कर दिया आजाद हर जंजीर ने।